हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी और मैं आपको बताता हूँ कि मैं लाइब्रेरी जाने के लिए इतना खुश क्यों हूँ। तो वैसे मैं अपने आप बारे में बता दूँ तो मुझे बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आज तक मैं कभी भी जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती हैं उसमें मैं नहीं जाता था, पता नहीं क्यों। और रिसेंटली सिटी एक्सप्लोर करते करते मैं द्रेस्डेन और यहाँ के जो स्टेट है उसकी जो लाइब्रेरी है वहाँ गया और मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील हुआ। और उसके बाद मैंने एक काइंड ऑफ हैबिट बना लिया कि मैं रेगुलरली वहाँ पे जाता रहूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपना फेमस येलो जैकेट नहीं पहना है और यहाँ पर आ चुकी है स्प्रिंग। बहुत ही अच्छा वेदर है, अभी अराउंड 15 डिग्रीज़ है टेम्परेचर। और पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, खाली दिख रहे होंगे, बट स्प्रिंग आ चुका है। तो सिर्फ दो हफ्ते में मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ पे कितना कलरफुल होने वाला है ये सब स्प्रिंग में। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे स्प्रिंग आ रहा है, तो अभी या पेड़ देखोगे कुछ कुछ में कलर आने लगा है। ये वाला पेड़ कितना सुंदर लग रहा है वाइट कलर में। और मेरे पीछे वो देखोगे तो वहाँ पे पिंक कलर के पत्ते हैं उसमें। और अभी तो बहुत शुरुआत है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में चल के कि कितना सुंदर हो जाता है कुछ हफ्तों के लिए ये पूरी जगह। ऐसा अगर आप लोग को पता हो, मेरी यहाँ पर चल रही है मास्टर थीसिस और मैं रेगुलरली वहाँ पर नहीं जाता हूँ अपने ऑफिस पर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिव रहना, जो घर के एनवायरनमेंट में मेरे से हो नहीं पाता है। तो मैंने यहाँ नोटिस किया, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं काफ़ी प्रोडक्टिव रह पाता हूँ। एक और चीज़ जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं जैसे रिसर्च फील्ड में हूँ तो मुझे अभी मास्टर थीसिस में काफ़ी रिसर्च पेपर देखने होते हैं। तो जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ तो उनके इंटरनेट से मैं कनेक्टेड होता हूँ और जो भी मुझे रिसर्च पेपर चाहिए होता है वो मैं बहुत ही ईजीली उन्हीं के नेटवर्क के थ्रू डाउनलोड कर पाता हूँ। तो जैसा आप उस सामने बोर्ड पे देख सकते हो वहाँ पे लिखा है स्लोप, वही लाइब्रेरी है। तो ऐसे द्रेस्डेन में काफ़ी जगह पे वो लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये एक टीयू द्रेस्डेन का डिपार्टमेंट है, उसमें वो है। और जो मैं मेन सेंट्रल लाइब्रेरी जा रहा हूँ वो उसकी बिल्डिंग वहाँ पे है। तो जब से मैंने वो लाइब्रेरी देखी है ना, तो मेरा मानना है कि कोई अच्छी लाइब्रेरी वही होगी जिसमें सिर्फ बुक्स ना हो, लाइक बहुत डिफरेंट टाइप्स के, बट डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फियर मिले। जैसे कभी मुझे बहुत प्रोडक्टिव रहने का मन है तो मुझे एक एनक्लोज्ड स्पेस चाहिए काम करने के लिए। कभी मेरा थोड़ा क्रिएटिव मूड है कुछ करने का तो फिर एक अलग टाइप की सेटिंग्स हो, जो मैं आपको दिखाऊँगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अलग अलग बेंचेस हैं, अलग अलग चेयर्स है, अलग अलग सेटिंग है। एक साइड में आप बुक्स के साइड में बैठ सकते हो, एक साइड है जहाँ पे इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, फिर एक एरिया है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो अपने लोगों के साथ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये लॉकर्स हैं यहाँ के, और जैसे मैं आपको दिखा दूँ ये सब फ्री ऑफ यूज़ है। आप जैसे इसको खोल दिया आपने, यहाँ पे एक यूरो का कॉइन डालो, अपना सामान यहाँ पे डालो और फिर इसको लॉक कर दो, और फिर जब वापस आप आओगे तो इसको लॉक खोल के अपना पैसा ले सकते हो। और अब सबसे अच्छी चीज़ देखो तो यहाँ पे कितने ज़्यादा लॉकर है, मतलब लाइंस है, वहाँ पे आप अपनी बिलोंगिंग्स रख के अंदर जा सकते हो लाइब्रेरी में। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ की बहुत ज़्यादा मेंबरशिप फ़ीस होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बेसिकली अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप पहले दिन ही आओ आप सीधा अंदर जा सकते हो। लेकिन जब आपको एडिशनल फी उसके बेनिफिट्स यूज़ करने हैं, जैसे बुक लोन पे लेनी है या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया आपको बुक करना है किसी डिस्कशन या किसी मीटिंग के लिए, तो आपको एक कार्ड की ज़रूरत होगी। बुक लेना ये सब बिल्कुल फ्री है,
बट ऑब्वियसली जब वो उसका ड्यू हो जाए तो उसके ऊपर 1 यूरो पर डे फीस ज़रूर लगती है। तो हम लोग इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्मनी कितना डेवलप्ड है कि इतनी बेसिक फैसिलिटीज़, पूरे टाइम इंटरनेट, रहने के लिए, पढ़ने के लिए जगह, किसी भी लोगों के लिए फ्री है। वो सिटीजन, उनके सिटीजन छोड़ो, एज अ फॉरनर भी मैं ये सब फ्री में अवेल कर सकता हूँ, तो ये मेरे को तो बहुत बड़ी बात लगी। तो वैसे मैं दिखा दूँ तो ये TU Dresden का कैंपस है, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं आगे पीछे। और मैं बोलना चाह रहा था कि क्या बोलना चाह रहा था, तो ये पीछे है TU Dresden का कैंपस, और बहुत ही सरप्राइजिंगली मैं यहाँ से जा रहा था और मैंने इनको देखा। अगर आप इनको पहचाने नहीं होंगे तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू। आई डोंट नो व्हाई बट इनकी यहाँ पे स्कल्पचर है, वो यहाँ पे TU Dresden लाइक पीछे फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसके सामने इनका स्कल्पचर है। तो बहुत ही अच्छा लगा अपना कुछ देख के। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस वॉज प्रेजेंटेड बाय श्री धर्मेंद्र, इंडियन फिल्म आर्टिस्ट। सो आई एम नॉट श्योर कि ये अपने धर्मेंद्र जी है जो एक्टर है वो है या फिर कोई और है, बट या इट्स वियर्ड। तो एक ही बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव सेशन के बाद जो मेरा लाइब्रेरी में था, मैं अभी जा रहा हूँ एक यहाँ के पास ही में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, और लंच करूँगा और फिर वापस लाइब्रेरी चले जाऊँगा। लाइब्रेरी इतनी सेफ रहती है कि मैं अपना वॉलेट लेके आया हूँ और अदर देन दैट अपना लैपटॉप वो सब वहीं पे रख के आया हूँ। देखते हैं वो मिलता है कि नहीं वापस। तो ये है वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मेरा लैपटॉप सही सलामत है।